हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन कॉमिक्स में भूतनाथ सीरीज की अगली कॉमिक्स, भूतनाथ बौनों के देश में। भूतनाथ बौनों के देश में, कथा सीएम श्रीवास्तव, चित्र पंडित। पड़ोसी देश की एक स्टेट का प्रिंस एडवर्ड अपनी पली प्रिंसेस मैरिया के पत्नी प्रिंसेस मैरिया के साथ भूतनाथ का देश घूमने आ रहा था, और भूतनाथ अपने मित्र का बेसब्री के साथ उसकी प्रतीक्षा करता है। मुझे सबसे पहले भूतनाथ से मिलना होगा, मैं उसकी दोस्ती पर नाज करता हूँ। कितना शानदार आदमी है, 8-10 पर तो अकेला ही भारी पड़ता है। उसी समय एक आदमी विमान चालकों को पर बंदूक तान देता है। चालको, जहाज को मेरे इशारों पर चलाते रहो। दूसरा बंदूक वाला कॉकपिट के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। कोई अपना स्थान से ना हिले, ये सब क्या है? शायद जहाज का अपहरण किया जा रहा है, मगर क्यों? था एक आदमी उठने की कोशिश करता है, गन वाला गोली चला देता है। किसी ने अभी अपने स्थान से हिलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। मुझे डर लग रहा है प्रिंस एडवर्ड, ये सारा ड्रामा तुम्हारे लिए खेला जा रहा है। क्या मतलब? मेरा साथी तुम्हारे पैराशूट बांधने में सहायता पहुंचाएगा, तुम्हें प्रिंसेस के साथ जहाज से कूदना है। नहीं, शांत रहो, जल्दी करो वरना दोनों को गोली मार दी जाएगी। विवश हो प्रिंस को बंदूक वाले की बात माननी पड़ती है। नीचे कूदो। प्रिंस अपनी प्रिंसेस के साथ जहाज से कूदता और हवा से पैराशूट खुल जाते हैं। ईश्वर रक्षा करे, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। पैराशूट के सहारे वह एक सुनसान जंगल के पास उतरते हैं। वहां एक जीप पहले से खड़ी होती है। उनके शरीर से पैराशूट खोलकर उन्हें जीप में चढ़ा दिया था। जीप उन्हें लेकर चल देती है। जीप समुद्र तट पर पहुंचकर रुक गई। किनारे पर मोटर बोट खड़ी थी। प्रिंस और प्रिंसेस को जीप से उतारकर बोट में चढ़ा दिया गया। बोट उन्हें लेकर चल देती है। ये लोग क्या चाहते हैं? बोट द्वारा उन्हें एक छोटे टापू पर पहुंचा दिया जाता है। स्वागतम प्रिंस एंड प्रिंसेस। तुम कौन हो? मैं जयकाल हूँ, थोड़े धन का लालची हूँ। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्रिंस को इनके स्थान पर पहुंचा दो। प्रिंस और प्रिंसेस के अपहरण की खबर सारे देश में फैल जाती है। देश के प्रमुख अखबार भूतनाथ से सहायता की मांग करने लगते हैं। भूतनाथ इस खतरनाक अंजाम पर देश की सहायता करो, भूतनाथ मदद करो, भूतनाथ ये देश की इज्जत का सवाल है। हेलो संपादक, मैं भूतनाथ खबर छाप दो कि भूतनाथ में जनता और देश की अपील कबूल कर ली है। शुक्रिया भूतनाथ। भूतनाथ प्रिंस और प्रिंसेस की तलाश में चल पड़ता है। यह ब्लैकमेलिंग का चक्कर तो नहीं? एक ब्लैकमेलर को तो मैं भी जानता हूँ। वह उस ब्लैकमेलर की तलाश में एक जुए घर में पहुंचता है। राणा कहाँ है? मैं नहीं जानता। शेष तीनों जुआरी भूतनाथ पर टूट पड़ते हैं। तीनों मुक्के खाकर मूर्छित हो जाते हैं। भूतनाथ ने चौथे को सर से ऊपर उठा लिया। राणा का पता बताओगे या फेंकूं? कसम खाकर कहता हूँ मैं नहीं जानता, गंगू जानता है। गंगू से जाकर निपटता हूँ, पहले तुम मरो। भूतनाथ गंगू दादा के निकट पहुँचता है। भूतनाथ गंगू और उसके आदमियों पर मुक्के बरसाता है। तुम इनकी तो हुई छुट्टी, अब गंगू से निपटता हूँ। गंगू बताओ राणा कहाँ मिलेगा? कौन राणा? आए आप क्या कहते हो गंगू? मत मारो, बताता हूँ। भूतनाथ गंगू से राणा का पता लेकर चल पड़ता है। राणा ज़रूर उन लोगों को जानता होगा। भूतनाथ के जाते गंगू फ़ोन पर राणा से संबंध मिलाता है। हेलो राणा, मैं गंगू, वह भूतनाथ मुझे मारकर तुम्हारा पता ले गया। भूतनाथ मोटरसाइकिल खड़ी करके राणा के अड्डे में जैसे ही दाखिल हुआ, उसे चारों तरफ से रिवॉल्वरों ने घेर लिया गया। भूतनाथ हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था, और मैं आ गया। राणा भूतनाथ के सामने आता है। गंगू ने जैसे ही फ़ोन पर खबर दी, मैं तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार हो गया। अब मेरे स्वागत का तरीका देखो। भूतनाथ खतरनाक हो गया है, भागना ही ठीक रहेगा। भूतनाथ भागकर राणा को पकड़ लेता है। एक जगह रुककर राणा भूतनाथ को घूमकर देखता है। राणा गिर जाता है। भूतनाथ उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है। थाक! रहम करो भूतनाथ, रहम। आजकल किसके लिए काम कर रहे हो? जयकाल के लिए, वह एक बहुत बड़ा स्मगलर है। प्रिंस और प्रिंसेस का अपहरण उसी ने किया है? हाँ, वह सितांदा नामक टापू पर रहता है जो बौनों का देश है। उठो, तुम मेरे साथ बौनों के देश की यात्रा करोगे। भूतनाथ बुराई को खत्म करता है, बुराई करने वालों को भी। दूसरों की मदद करना वह अपना फर्ज समझता है। प्रिंस और प्रिंसेस को जयकाल एक कमरे में बंद कर देता है। खाना पहुंचाने वाले आदमी को बेहोश करके वह कैद खाने से निकल भागते हैं। प्रिय देखो, वह बौने उनके हाथ में भाले हैं।
भागो, बौनों ने हमें देख लिया है। एक जीप पास आकर रुकी, ये खतरनाक बौने तुम्हारी जान ले लेंगे, जल्दी से जीप में आ जाओ। मैं देर से पहुंचता तो ये बौने तुम लोगों को मार डालते, ये निर्दयी और हिंसक है। तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम लोग इस देश के मेहमान हो, अगर तुम्हारा कुछ बुरा हो जाए तो इस देश की बड़ी बदनामी होगी, संभव है दो देशों में लड़ाई छिड़ जाएगी, समझे? तुम्हारे एवज में इस देश की सरकार मुझे करोड़ों रुपया देगी, अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें समाप्त करके मज़ा देखूंगा। इस बार जयकाल उन दोनों को कैद खाने में पहुंचा देता है। प्रिंस, यहां से भागना आसान नहीं, तुम हमें आज़ाद कर दो, जो चाहोगे वही मिलेगा। बहुत भोली हो प्रिंसेस, मगर मैं कच्ची गोलियां खेलने का आदी नहीं। जयकाल के दरवाजे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब क्या होगा एडवर्ड? प्रिंस उसे बाहों में भर लेता है। डरो मत और भूतनाथ को सच्चे मन से याद करो, वह अवश्य हमारी सहायता करेगा। उधर वहाँ बहादुर भूतनाथ राणा को साथ लेकर बौनों के देश पहुँचने के लिए समुद्र यात्रा पर चल पड़ता है। टापू की पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी दूरबीन आंखों से लगाए समुद्र की ओर देख रहा था। कौन लोग हो सकते हैं? भूतनाथ, माय गॉड, मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। वह जयकाल के पास पहुंचता है। बॉस, भूतनाथ इधर आ रहा है। देर किस बात की है, उसे खत्म कर दो। वह आदमी लौट पड़ता है। भूतनाथ की मोटरबोट तट की ओर बढ़ती है, तभी टापू से गोली चलती है। थाय गोली राणा के बदन पर लगती है। भूतनाथ समुद्र में छलांग लगाता है। जयकाल को जैसे ही भूतनाथ की गोली से बचने की बात पता चलती है, वह बौनों के सरदार चुबाचू के पास पहुंचता है। सरदार चुबाचू, हमारा एक दुश्मन तुम्हारे देश में घुसा है, वह बहुत खतरनाक है, हमारे लिए क्या हुक्म है? उसे पकड़ लो या घेर कर मार डालो, जाओ उसे सारे में तलाश करो। जयकाल जीप में बैठे एक बंदूक वाले की तरफ मुड़ता है। अस्थाना, तुम अभी जाकर अपने दो तैराकों को भूतनाथ की तलाश में भेजो। यस बॉस। अस्थाना दो तैराकों को भूतनाथ की खबर के लिए रवाना कर देता है। भूतनाथ पानी में अंदर ही अंदर तैर कर टापू के किनारे पहुंचने की कोशिश करता है। दो तैराक उसकी ओर झपटते हैं। मुझे इन गोताखोरों को सबक सिखाने होंगे, इनकी तो छुट्टी हुई। तभी पानी में एक भूचाल सा आ जाता है। भूतनाथ एक शार्क को तेजी से अपनी ओर आता देखता है। खतरनाक मांसाहारी शार्क, इससे बचना होगा। भूतनाथ शार्क के नीचे से पानी की गहराई में चला जाता है। भूतनाथ को भूलकर शार्क दोनों गोताखोरों से जूझ पड़ती है। दूर जाकर भूतनाथ पानी से सर उठाता है। बाल बाल बचे। भूतनाथ टापू के किनारे पर पहुंच जाता है। भूतनाथ टापू पर पहुंचता है। हू हा। भूतनाथ भागते हुए बौनों को देख लेता है। उसी समय वह स्वयं को अनेक बौनों से बीच घिरा पाता है। ये क्या बला है? यही हमारा दुश्मन। सुनाओ भाइयों, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ, मुझे अपने सरदार से मिलवाओ। सरदार चुबाचू आगे आता है। मैं बौनों का सरदार चुबाचू हूँ, अब कहो। सरदार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही, बैठ जाओ। भूतनाथ बैठ जाता है। सरदार चुबाचू, मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को जयकाल नाम का बदमाश उठा लाया है। लाया तो है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है, उसके पास आग उगलने वाले हथियार हैं, हम सब उसके गुलाम हो गए हैं। अब तुम गुलाम नहीं रहोगे, मैं जयकाल को मार डालूंगा। साथ? हाँ, मुझे उसका पता बताओ। तुम हमें गुलामी से छुटकारा दिलाओगे? बिल्कुल, वायदा करता हूँ। तो चलो, हमारे महल पर उसका अधिकार है। चुबाचू उसे महल के पास लेकर पहुँचता है। वह रहा हमारा महल, तुम अपने आदमियों के साथ बाहर ही रहो और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करो। भूतनाथ एक ही छलांग में महल की दीवार पार करके महल में दाखिल हो जाता है। ए, ठहरो! भूतनाथ पलट कर उस पर वार कर देता है। टिशू! उस आदमी के गिरते ही भूतनाथ उसकी बंदूक झपट लेता है। काट! भूतनाथ महल में आ गया, बॉस को खबर करता हूँ। वह आदमी जयकाल के पास पहुँचता है। बॉस, भूतनाथ महल में घुसा है, जाओ उसे घेर कर गोलियों से भून दो। गोली भूतनाथ की बंदूक पर पड़ती है। धाय! तुम्हें नियत्ता मारने में हमें मज़ा आएगा। चतुर भूतनाथ का शरीर बिजली जैसी हरकत करता है। महल की छत पर खड़ा एक आदमी भूतनाथ को देखता हुआ अपनी बंदूक का निशाना लेता है। थाय! भूतनाथ महल के बाहर खड़े बौनों के सरदार चुबाचू को संकेत देता है और चुबाचू और उसके आदमी महल में प्रवेश कर जाते। बंदूकों से लैस कुछ आदमी बौनों की भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ बौने उन पर छपट पड़ते हैं। जयकाल कैदखाने में पहुंचता है। प्रिंस एंड प्रिंसेस एडवर्ड, मेरे साथ चलो। कहाँ ले जाओगे हमें? जहाँ किसी का साया भी तुम पर ना पड़े। उसी समय जयकाल की कमर में पीछे से लात पड़ती है। उफ, आए! आह, हमारा दोस्त, हमारा मददगार बहादुर भूतनाथ आ गया। इसे अभी सबक दूंगा। टिशू, आए, मर गया! उसी समय 8-10 आदमी एक साथ आकर भूतनाथ पर टूट पड़ते हैं। शाबाश, इसे छोड़ना मत, मार मार के इसका खचूमर बना दो। जयकाल कोने में पड़ा अपना रिवॉल्वर उठा लेता है। प्रिंस एंड प्रिंसेस, तुरंत मेरे साथ चलो। जयकाल प्रिंस और प्रिंसेस को लेकर बाहर निकल जाता है। उधर भूतनाथ उन आदमियों पर मुक्के बरसाता है। टिशू टिशू धड़ा टिशू।
मेरा सिर, उफ, ठिशुम ठिशुम, आ मेरा जबड़ा। सब बेहोश हो गए। अब जयकाल की खबर लेता हूँ। भूतनाथ बौनों के सरदार चुबाचू के पास पहुँचता है। सरदार चुबाचू, तुमने जयकाल को देखा? नहीं तो क्या? नहीं तो क्या वह भाग गया? हाँ, अपने साथ वह मेरे मित्रों को भी ले गया। सरदार, सरदार, दोनों उसकी तरफ देखते हैं। क्या बात है जोरो? सरदार, वह बदमाश सरदारनी को उठा ले गया। उसने कहा है सरदार अगर भूतनाथ का साथ देगा तो वह सरदारनी को मार देगा। कौन? जयकाल, हमारा दुश्मन। ओह मेरी प्यारी बीवी। मित्र, निराश मत हो, मैं साथ हूँ। जोरो, मुझे बताओ जयकाल कहाँ गया? भूतहा महल में। ये क्या बला है? वहाँ कोई नहीं जाता, उस महल में कहे रूहें रहती हैं। अंधविश्वास। सरदार, मैं वहाँ जाऊँगा और अपने मित्रों के साथ तुम्हारी बीवी को भी छुड़ा कर लाऊँगा। और तुम्हें अपनी बीवी से प्यार है तो तुम मेरा साथ दोगे। उस तरफ जाने वालों पर दुश्मन के हथियार आग उगल देते हैं। कोई और रास्ता है वहाँ पहुँचने का? केवल दाईमा जानती है। दाईमा के पास चलो। दोनों दाईमा से मिलने जाते हैं। दाईमा के पास पहुँच कर वे उसे सारी बातें बताते हैं। मेरे बच्चों, वहाँ खतरा है। हम खतरों से नहीं डरते, तुम्हारी मर्जी। उस महल में पहुँचने का खुफिया रास्ता काले पहाड़ से है। भूतनाथ चुबाचू और जोरो काले पहाड़ की तरफ चल पड़ते हैं। वे काले पहाड़ के पास पहुँचते हैं। यही है काला पहाड़। तुम यहीं ठहरो, मैं खुफिया रास्ते को तलाश करता हूँ। डर तो नहीं रहे हो जोरो? नहीं सरदार, आप जो साथ हैं। भूतनाथ अपनी पोशाक में से टॉर्च निकालता है और खुफिया रास्ते को तलाश करता है। यही है। सरदार, मेरे पास आओ। चुबाचू और जोरो पास आते हैं। ये रोशनी? चिंता मत करो, ये कोई जादुई हथियार नहीं है। रास्ता मिल गया है, आओ। भूतनाथ उस खुफिया रास्ते में दाखिल होता है। भूतनाथ के पैरों से पानी टकराता है। संभल कर आना सरदार, आगे पानी है। आगे पानी गहरा हो जाता है, वे बढ़ते जाते हैं। पानी खत्म हो जाता है, आगे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर वे भूताह महल में दाखिल होते हैं। कमरे में उन्हें रोशनी नजर आती है। बाहर से दरवाज़ा खोल कर वे कमरे में पहुँचते हैं। आह मेरी बीवी। चुबाचू को देखकर सरदार ने उसके करीब आती है। प्रिय, तुम ठीक हो ना? तुम आ गए, अब मुझे कोई डर दुख नहीं। वह शैतान कहाँ है? महल में ही कहीं होगा। दाई माँ कहती है यहाँ रूहें रहती हैं, मुझे कोई नहीं मिली। सब अंधविश्वास की बातें हैं सरदार। तुम अपनी बीवी का को जोरों के साथ वापस भेज दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। उन दोनों के जाने के बाद तलाश करते हुए जयकाल तक जा पहुँचते हैं। मेरे मित्र के पास खड़े उस आदमी पर तुम भाला चला सकते हो, क्यों नहीं, ये देखो। हा हू, खचाक, मर गया। अब मेरी बारी है। टिशुम टिशुम, धड़ाक। भूतनाथ अपने वज्री मुक्कों से सबको जमीन सुंघा देता है। जयकाल भागता है। जुबाचू उसकी टांगों से लिपट जाता है। भाग कर कहाँ जाओगे? टिशुम काट। रहम करो भूतनाथ, टिशुम, ईश्वर के लिए अब बस करो। आए, जयकाल बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोश हो गया? अपने कबीले के सामने मैं इसे जिंदा जला दूंगा। नहीं, मैं जिंदा इसे अपने साथ ले जाऊंगा। जयकाल की जीप में सवार होकर वे लोग भूतिया महल से चढ़ पड़ते हैं। भूतनाथ, मेरे मित्र, तुम्हारे रहते इस धरती पर कोई षड्यंत्र पनप नहीं सकता। मैं हमेशा इसी कोशिश में रहता हूँ प्रिंस। बौनों के छोटे से देश से जयकाल के सब आदमियों का सफाया हो जाता है। भूतनाथ ब्लैक मिलियर को जीवित रखता है ताकि उसके देश का कानून जयकाल को उचित सजा दे सके। तुम अच्छे मित्र, हम विजयी हुए। समुद्र के किनारे हम फिर मिलेंगे सरदार चुबाचू। चुबाचू, इसने हमारी सहायता की। शायद ईश्वर ने भूतनाथ को दूसरों की सहायता के लिए इस धरती पर भेजा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भूतनाथ सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, भूतनाथ और बैंक लुटेरे में। तब तक के लिए धन्यवाद।